हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 11 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे की परीक्षाओं के लिए बेस्ट 5000 क्वेश्चन के सीरीज। और कल हमने देख लिए थे गति के समीकरण, आपके सामने मैंने ज्ञात करके दिखाए थे किस प्रकार के गति के समीकरण है वे यहाँ पर आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि त्वरण होता है ना, वो आपके दो टाइप से हो सकता है। देखिए, जो आपकी गति होती है ना वस्तु की, दो प्रकार से होती है। एक समान वेग से वस्तु जब चल रही हो, एक आपके असमान वेग से चल रही हो। और उसमें हमने जब असमान गति से चल रही हो तो पहला स्थिति हमने देख लिया था और यहां तक हमने देख लिया था। तो आज हम इसके क्लास को कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए है ना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज को आप गाइस डेली देखिएगा, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता जब व्यूज नहीं आते हैं। आपको पता है इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं गाइस, आपको पता है। और जब आप वीडियो नहीं देखते हो तो फिर गाइस एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप वीडियो ही नहीं देखते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली वीडियोस देखा करो 9 बजे और आपके दोस्तों के साथ शेयर की देखिए। अब चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जो ऑनलाइन बोर्ड प्लेटफॉर्म है वहां पर आपके लिए मिनी टेस्ट का अरेंजमेंट कर रखा है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेली मिनी टेस्ट दे सकते हैं। तो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां आप जाइए, डेली मिनी टेस्ट दीजिए आपके 31 दिसंबर 2020 तक। इसके अलावा रेलवे संबंधित बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो खत्म होने के बाद आपको चेकआउट कर लेना। अब चलिए, यहां तक हमने देख लिया था। अब यहां पर देखिए गाइस, यहां पर जो तीन समीकरण है ना, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या क्या आते हैं मैं आपको देखिए बताता हूं। देखिए, जो आपका गति का पहला समीकरण है, ये यहां से प्रश्न आपका आया हुआ है कि गति का जो पहला समीकरण है किस किस के बीच में रिलेशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, गति का पहला समीकरण है वो किस किस के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, आपको पता, देखो रटना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से बता दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो समीकरण है किस किस के बीच रिलेशन दर्शाता है। देखिए, आपको तीनों इक्वेशन में जहां भी आपको इक्वेशन लिखा गया है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इन तीनों इक्वेशन में आपको एक्सेलरेशन है उसको तो भूल जाना है। ठीक है, एक्सेलरेशन है वो, उससे आपका कोई रिलेशन नहीं होता, उसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल। ठीक है, क्वेश्चन उसके नहीं आते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस वाले इक्वेशन की, इस वाले समीकरण की, तो देखिए यहां पर है वी, यहां पर है यू, यानी कि दोनों है वेग, इसको आप छोड़ दीजिए, और यहां पर है टी। तो जो गति का पहला समीकरण है वो आपके वेग और समय के बीच रिलेशन दर्शाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। आपके गति का पहला समीकरण है किस किस के बीच रिलेशन दर्शाता है, वेग और समय, यानी कि वेलोसिटी एंड टाइम। देखिए, यहां पर ये वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी है, इसको आप छोड़ दीजिए, और ये टाइम है, तो वेलोसिटी एंड टाइम के बीच रिलेशन दर्शाता है। उल्टा भी पूछ लेता है कि बताइए वेग और समय के बीच में आपका रिलेशन दर्शाता है गति का कौन सा समीकरण, आपको ऑप्शन दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा। इसके बाद आते हैं आपके समीकरण नंबर 2 के ऊपर, जहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो S है ना, S, इसको आपको ध्यान रखना है, ये दूरी को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसको आपको मानना स्थिति यानी कि पोजीशन। ठीक है, स्थिति मानना है यानी कि पोजीशन मानना है। और यहां पर देखिए, यहां पर है टी, यहां पर आपका टी है, तो देखिए टी और टी, तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो आपका दूसरा समीकरण है वो स्थिति और आपका समय, स्थिति और समय, स्थिति व समय, यानी कि पोजीशन एंड टाइम, दोनों के बीच रिलेशन दर्शाता है, पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है पोजीशन एंड टाइम, इनके बीच रिलेशन दर्शाता है। जो चीज ज्यादा बार रिपीट होती है ना उसको देखते हैं। देखिए, यहां पर भी टाइम है, यहां पर भी टाइम है, यहां पर आपके देखिए एस है, तो स्थिति और आपका टाइम दोनों के बीच रिलेशन दर्शाता है। आते हैं समीकरण नंबर 3 के ऊपर, यहां पर देखिए, यहां पर इधर वेग है, इधर वेग है, तो देखिए वेग तो इधर आ गया, और यहां पर देखिए बोलता है कि ए को आप छोड़ दो, ए को छोड़ दो, क्या बचा एस, और एस किसको प्रदर्शित करता है, स्थिति को, पोजीशन को, यानी कि ये आपका गति का तीसरा समीकरण है वो स्थिति और वेग, यानी कि पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। तो 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, ये जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है तीनों के बारे में कि पहला समीकरण किस किस के बीच रिलेशन दर्शाता है, दूसरा किस किस के बीच दर्शाता है, और तीसरा किस किस के बीच दर्शाता है। तो मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है। अब चलिए, यहां पर हमने ये जो है आपका असमान वेग से जब वस्तु चल रही थी, तो हमने पहला केस देख लिया था जब वस्तु आपके त्वरण है उसका समान है तब। अब हम देख लेते हैं दूसरा केस, जब आपके वस्तु का एक्सेलरेशन है वो आपके डिफरेंट है, फिर आपके किस प्रकार का ग्राफ बनता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो चलिए उसको हम देखते हैं। और इसको हम देख लेते हैं, जब आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपके अलग अलग होता है तब आपका ग्राफ कैसे बनता है। तो मैं आपको एक ही ग्राफ के माध्यम से यहां पर समझा देता हूं। देखिए कि मान लीजिए इधर आपका है ये टाइम है यानी कि समय है,
और इधर आपका है वेग यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब आपका एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उस स्थिति में देखिए यहां पर जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपका ग्राफ है वो यहां पर बन सकता है कि मान लीजिए पहला जो आपका, देखिए यहां पर दोनों प्रकार से आपको बता दूं। देखिए मान लीजिए पॉइंट ए ओ है, ये ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई पॉइंट है। अब देखिए इससे आप कैसे समझेंगे, यहां पर देखिए इसको समझने का मतलब ये है कि प्रारंभ में जो आपका वेलोसिटी था वो यू था, ठीक है, ये फिर वी हो गया, फिर आपका कुछ ही मान सकते हैं डब्ल्यू। तो यहां पर देखिए इस ग्राफ से आपको ये पता लगता है कि जब आपका वेग है, वेग लगातार बढ़ रहा है यानी कि आपका त्वरण है वो पॉजिटिव है, तो उस स्थिति में ग्राफ है ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बढ़ता हुआ ये जो ग्राफ है OA वो पॉजिटिव त्वरण को प्रदर्शित करता है, जो आपका OA रेखा है OA वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन को प्रदर्शित करता है, मतलब वेग का मान इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में AB जो है, AB जो ग्राफ आपको प्रदर्शित दिख रहा है, ये आपके AB है वो आपके सेम यानी कि जब आपका एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज इन एक्सेलरेशन, तब आपके ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आपका वेग है घट रहा है तो उस स्थिति में आपका जो BE ग्राफ है, BE ग्राफ वो आपका कहलाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम मंदन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं जब आपका वेग बढ़ रहा है तो सीधी सी बात आप जानते हैं त्वरण होता है a बराबर v माइनस u अपॉन t। ठीक है, तो सीधी सी बात है जब आपका वेग बढ़ रहा है तो अंतिम वेग का मान ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो सीधी सी बात है जब आपका ये ग्राफ है इस प्रकार से बढ़ेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ये वाला है AB तो सेम रहेगा रिमेन, और जब आपका BE रहेगा तो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो इस प्रकार से आपके दो चीजें मेरे को और बतानी है, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उनको मैं आपको कराता हूं। देखिए दो कौन कौन चीजें, एक तो आपका देखिए मैं आपको जो आपका पेंडुलम होता है ना, जिसको बोलते हैं सरल लोलक। ठीक है, सरल लोलक, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, सरल लोलक यानी कि सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम। अब ये क्या होता है, देखिए सिंपल पेंडुलम होता क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए तो सिंपल पेंडुलम होता है ना, मान लीजिए मेरे पास कोई भी चीज है, ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, फिलहाल तो कुछ नहीं है, मान लीजिए एक कील की सहायता से मैंने इसको टांग दिया किसी रस्सी की सहायता से, और अगर मैं इसको ऐसे एक तरफ गति करके छोड़ दूं तो ऐसे घूमता रहेगा। तो मान लीजिए ये वो कील है और यहां मैंने एक आपके पिंड को ऐसे लटका दिया और ये ऐसे ये इसकी माध्य स्थिति है, तो ये इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमता रहेगा ऐसे। ठीक है, आपने उसमें देखा होगा बच्चे का झूला होता है, उसको अगर झूला के छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे घूमता रहता है। इसके अलावा आपकी जो घड़ियां आती है दीवार घड़ी, उसमें भी पेंडुलम लगा रहता है जो ऐसे यूं घूमता रहता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी जो लेंथ है ना, उसकी लेंथ है, ये आपकी लेंथ है, ठीक है, और ये अगर थीटा है, ये इसकी लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो आवर्तकाल का फॉर्मूला है ना वो आपसे पूछा जाता है, वो क्या होता है, तो देखिए इसका जो आवर्तकाल होता है वो होता है टी बराबर 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सरल लोलक जो होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान लीजिए कील की साजिश कुछ भी लटका दिया ऐसे घूम रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं सरल लोलक, उसको एग्जांपल मान सकते हैं पेंडुलम। तो यहां पर ये इसकी लेंथ होती है, ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं एल जो होती है वो इसकी लेंथ होती है यानी कि लंबाई होता है, जी होती है आपका ग्रेविटी होती है मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और पाई की वैल्यू तो आपको पता होती है, ठीक है, 3.14 वो हमको ले लेनी है। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये आपको ध्यान रखना है, कैसे देखिए क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि बताइए अगर इसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधी सी बात है यहां पर लंबाई को हम 4 गुना करेंगे तो आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाएगा, अगर हम जी का मान बढ़ा दें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं और जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा भी। ठीक है, तो ये आपका पेंडुलम पर भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पेंडुलम का एक आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है देखिए वो मैं आपको बता दूं कि यहां से हमने इसको छोड़ा तो यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है ना, यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक है, पेरियोडिसिटी, ठीक है, इसका जो आवर्तकाल होता है, ठीक है, उसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है टाइम टी बराबर 2π√L/g, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलिए एक चीज और है उसको मैं आपको बता दूं, देखिए वैसे उसके ऊपर ना आपके रेलवे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर हम मोशन वाला चैप्टर ना इसको खत्म कर देते हैं, है ना। ठीक है, हमारा जो गति वाला जो चैप्टर है इसको हम खत्म कर देते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रो
जैक्टाइल मोशन, ठीक है, इसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। ठीक है, अब देखिए प्रक्षेप गति होता क्या है। देखिए प्रक्षेप गति का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, अगर उस पर गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई बल नहीं लग रहा, ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उस समय उसकी जो गति होती है, मोशन होती है, उसको हम बोलते हैं प्रक्षेप गति। यानी कि गुरुत्वीय बल के अधीन क्षैतिज दिशा में अगर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो उसकी जो गति होती है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे? मान लीजिए ये आपकी, ये आपका देखिए वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर हमने किसी वस्तु को यहां से फेंका है ऐसे, तो देखिए ये वस्तु है ना ऐसे जाएगी और ऐसे जाने के बाद ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण, देखिए हमने इस वस्तु को ऐसे फेंका है यू वे के साथ, तो होगा क्या, यू वे के साथ फेंकेंगे तो ये एक निश्चित हाइट प्राप्त कर लेगी और उस हाइट पर जाने के बाद, ठीक है, ये हाइट है, उस हाइट के बाद जाने के बाद वापिस नीचे की ओर आ जाएगी। जैसे आप देखते होंगे आपने नल को, यानी कि आपकी जो पाइप होती है नली, उसको पकड़कर पानी जरूर दिया होगा पेड़ों में, ठीक है, पेड़ों में पानी जरूर दिया होगा ऐसे नली को पकड़कर, तो आपने देखा होगा पानी जो होता है ऐसे जाने के बाद वापिस आ जाता है, ठीक है, ऐसे जाने के बाद। तो इससे प्रश्न देखिए क्या क्या बनते हैं। पहली बात तो यहां जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि जो प्रक्षेप गति होती है वो किसकी वजह से होती है, कौन सा फोर्स उसके ऊपर लगता है। तो ध्यान रखना है प्रक्षेप गति होती है उस पर आपका केवल ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो आरेख होता है वो कैसा होता है, तो इसका आरेख देखिए पैराबोला यानी कि परवलयकार होता है। कैसा होता है? परवलय, ठीक है, पैराबोला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लेता है कि प्रक्षेप गति होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें जो ग्राफ बनता है मतलब उसका पथ कैसा होता है, ठीक है, आपका जो कण होता है उसका रास्ता कैसा होता है, पथ कैसा होता है, तो ध्यान रखना उसका पथ होता है ना वो परवलयकार होता है, ठीक है, पैराबोलिक टाइप का। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तीन क्वेश्चन मेनली आपके आते हैं। देखिए पहला इसका आवर्तकाल, ठीक है, यानी कि आपका जो प्रक्षेप गति होती है उसका आवर्तकाल, ठीक है, यानी कि टाइम कितना लगा यहां से जब हमने किसी वस्तु पत्थर को फेंका, खड़ को फेंका, तो यहां से वापिस नीचे आने में आवर्तकाल कितना लगा, यहां पर दिख रहा है क्या? ओके, ठीक है, यहां पर दिख रहा है। तो आवर्तकाल जो होता है, ठीक है, आवर्तकाल उसका फॉर्मूला होता है 2u sin θ / g, ठीक है, आवर्तकाल होता है मतलब टाइम जो लगा है यहां से अगर वस्तु को फेंकते हैं एक निश्चित हाइट प्राप्त करता है वापिस पृथ्वी पर आ जाता है एक पैराबोला टाइप में, तो उसका जो आवर्तकाल मतलब टाइम लगा उसका फॉर्मूला होता है 2u sin θ / g। यहां पर u क्या होता है? u का मतलब होता है इनिशियल वेग यानी कि प्रारंभिक वेग यानी कि वस्तु को किस वेग से फेंका था। साइन थीटा आप जानते हैं ये जो एंगल है ये, इसको बोलते हैं आपका थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। और जी क्या हो जाएगा? आपका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, आपका ग्रेविटी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो आपका इसकी परास है, परास का मतलब ये रेंज है ना, ये रेंज, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आया हुआ है। जो रेंज है परास है उसका मान आपका पूछ ले, तो रेंज होती है परास आर, इसका आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin 2θ / g, ठीक है, ये रेंज होती है r बराबर u² sin 2θ / g, ठीक है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, अब देखिए परास से रिलेटेड कि यहां पर आपसे प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है मतलब प्रक्षेप गति, तो वस्तु को किस कोण पर फेंके ताकि वो अधिकतम दूरी पर जाकर गिरे, ठीक है, यानी कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंके, मतलब हमको ऐसे कोई दूरी तय करनी है, ठीक है, मान लीजिए हमको ऐसे कोई दूरी तय करनी है लंबी, तो वस्तु को किस एंगल पर फेंके, ठीक है, यहां पर फेंके, यहां यहां यहां, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर अगर थीटा, अगर हम 90 डिग्री न लेकर आपका थीटा ले दे 45 डिग्री, तो उस स्थिति में आपका 45 डिग्री की स्थिति में आपका जो रेंज है उसका मान अधिकतम होता है। कैसे? देखिए इसमें रख दीजिए थीटा बराबर अगर 45 रखते हैं, देखिए आर बराबर आ जाएगा u² sin 2θ, तो 45 × 2 की जगह 90 sin 90/g, तो देखिए sin 90 होता है 1, इसलिए r max का मान हो जाएगा u² / g, ठीक है, u² / g, तो r अधिकतम, ठीक है, रेंज अधिकतम कब होती है ये प्रश्न आपका पूछा गया है। आपकी रेंज होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में यानी कि आपका जो प्रसार होता है, ठीक है, उसकी लंबाई ज्यादा कब होगी, अधिकतम दूरी पर पत्थर है ये कोई भी कण है कब जाकर गिरेगा, अगर थीटा बराबर लेते हैं 45 डिग्री, क्या लेते हैं,
थीटा बराबर लेते हैं 45 डिग्री। अब चलिए इसके बाद यहां पर दिख रहा है ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं तीसरा जो आपकी हाइट होती है, ये जो हाइट ठीक है कितनी हाइट ऊपर गया, तो ये जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला जो होता है हाइट का वो होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ठीक है, ये आपका होता है ठीक है। ये फॉर्मूलेज आपको याद कर लेने हैं, वैसे ये क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन है किसी के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है, अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन से, न्यूमेरिकल तो नहीं आया है लेकिन फिर भी आ जाए तो हाइट जो होती है वो ये होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पर यू इनिशियल वेग है, जी है वो आपका ग्रेविटी है ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन था। तो इस प्रकार से मोशन है उसको चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम देखते हैं आपके मोशन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके आए थे इस टॉपिक से, जैसे आपके गति के समीकरण हमने पढ़े हैं उससे जो क्वेश्चंस आए थे, और वेग से यानी कि स्पीड वेलोसिटी संबंधित मतलब मोशन से जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं उसको आज की वीडियो में खत्म करते हैं और कल हम देखेंगे एक नया टॉपिक। तो चलिए अब उन क्वेश्चन को देखते हैं, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं और फिर हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल ठीक है। चलिए तो चलिए अब हम देखते हैं रेखीय गति के समीकरण पर आधारित आपके जो न्यूमेरिकल आए थे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में एनटीपीसी एग्जाम में, और आपके सरल आवर्त गति से या इसके अलावा आपके जो एक प्रकार से जो हमने पहले पढ़े थे, हमने दो चार क्वेश्चन पहले भी छोड़ दिए थे, जो आपके वेग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको भी हम देखेंगे, तो सारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने वाली एक कार 2 मिनट में 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चल देती है, कार के द्वारा तय किया गया वेग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको ना ये जो सारे क्वेश्चंस है ना इनमें आपके गति के तीनों समीकरण है ना इनका यूज होगा, तीनों समीकरण ध्यान होने चाहिए और आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि तीनों समीकरण का यूज कैसे करना है, बस और कुछ नहीं है। देखिए आपको क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है, ध्यान रखना है कि पूरे प्रश्नों में टाइम हमेशा लेना है सेकंड में, स्पीड लेनी है मीटर प्रति सेकंड में, अगर आपको कहीं भी किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, ये थोड़ी सी टिप्स आपके लिए। तो देखिए आपको टाइम दिया है आपका 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड, त्वरण का मान दिया है आपका a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आपको बोला है कि स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है मतलब u बराबर क्या है 0। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा कि कार के द्वारा तय किया गया वेग यानी कि अंतिम वेग आपसे पूछा है। अब देखिए अंतिम वेग हम जानते हैं गति का जो पहला समीकरण होता है वो होता है v बराबर यू प्लस ए टी ठीक है, v बराबर यू प्लस ए टी। तो देखिए यहाँ पर v की वैल्यू ज्ञात करनी है, u प्लस ए टी करना है, बड़ा सिंपल सा सवाल है वैसे। u का मान आपको पता है 0 और a का मान आपको दिया है देखिए a बराबर है 1 और t आपको दिया है 120 सेकेंड, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 120 मीटर। क्या आंसर आ जाएगा 120 मीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण, देखिए त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का मान दिया है यानी कि a का मान, तो हम साइड में लिख लेते हैं a बराबर दिया है 3 ठीक है। आगे बोला गया है 8 सेकंड तक चलती है, टाइम आपको दिया है 8 सेकंड। आगे बोला गया है कि स्थिर अवस्था मतलब u बराबर 0, तो देखिए इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए यानी कि आपसे पूछी है टोटल डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए तो डिस्टेंस के लिए आपको पता है एक सूत्र है जिसको बोलते हैं s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है, ये दूसरा समीकरण है आपका गति का ठीक है। तो देखिए u का मान अगर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि देखिए 0 इंटू और आपका t जो दिया हुआ है 8 ये 0 हो गया, प्लस 1/2 और a का मान आपको दिया है 3 और t दिया है 8, 8 का स्क्वायर करना है तो 64, यहाँ पर इसको काटते हैं ये हो जाएगा आपका 32 और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 96, तो आंसर क्या आ जाएगा 96 मीटर है इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। गाइस यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में आपको मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी एरर नहीं हो जाए, लेकिन अगर गलती से कोई एरर हो जाता है ना तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पर कोई चांस देता नहीं हूँ गलती होने का, लेकिन आपको पता है इंसान से गलती हो जाती है तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, वैसे मैं गलती कोई करता ही नहीं हूँ ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। ठीक है, मैंने आपको बोर्ड पे करवाया था कि कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाएगा। देखिए यहां पर आपको बताया था कि आपका जो ये वाला समीकरण है, ये देखिए ये दूरी दी रखी है और दोनों जगह टाइम है, तो किस किस के बीच संबंध है, दूरी और समय के बीच। ठीक है, दूरी और समय के बीच। ठीक है, लेकिन दूरी को हमेशा किससे मापते हैं, आपको ध्यान रखना है स्थिति से। तो इसलिए जो ये वाला इक्वेशन है वो तो स्थिति, ठीक है, स्थिति और आपका समय के बीच संबंध दर्शाता है। ये वाला है वो स्थिति और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, और ये वाला देखिए, ये जो तीसरा समीकरण चौथा समीकरण है, ये तो आप गति का समीकरण होता ही नहीं है, तो बचा ये थर्ड, वी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v बराबर यू प्लस ए टी है ना, ये देखिए यहाँ दोनों जगह देखिए वेग वेग आ रहा है, v v और t यहाँ पर समय है, इसलिए ये जो वाला इक्वेशन है वेग समय यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन यहाँ पर प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया है कि एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से यानी कि यू बराबर जीरो, ठीक है, विश्राम अवस्था का मतलब ये होता है भाई जीरो वेग से शुरू की है। ठीक है, आगे बोला गया है कि पाँच मिनट में, टाइम आपको दिया है कितना, पाँच मिनट, हमेशा ध्यान रखना है टाइम को लेना है किसके अंदर, सेकंड के अंदर, तो पाँच मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, 300 सेकंड। आगे 90 किलोमीटर प्रति घंटे, मैंने आपको बोला था स्पीड को आपको हमेशा रखना है किसमें, स्पीड को रखना है मीटर प्रति सेकंड में, तो देखिए 90 को हम कर देंगे मीटर प्रति सेकंड, मतलब के लिए 5/18 से गुणा। ठीक है, तो देखिए 18, 5, 90 और 5, 5, 25, तो v बराबर क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए ये तीनों चीज हमने हमारे पास आ गई, आपसे क्या पूछा गया है, यदि इसका त्वरण समान है, मतलब इसका त्वरण में कोई चेंज नहीं होता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे, देखिए हमको, देखिए हम जानते हैं कि आपके तय की गई दूरी होती है ना, उसमें देखिए फॉर्मूला होता है s बराबर, देखिए s बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास a का मान नहीं है, इसलिए हमको पहले a का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए a का मान है, मैं यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ a जो है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ a। ठीक है, तो देखिए a है, a क्या हो जाएगा, पहले हमको a ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो a देखिए a हम पहले ज्ञात करेंगे, तो a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो देखिए v आपको दिया है कितना 25, माइनस u तो जीरो है, और टाइम कितना है आपको दिया है 300, तो 25/300। ठीक है, ये किसका मान हो गया, a का। ठीक है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, 5 से दोनों को भाग लगा सकते हो। ठीक है, 25 और 300 का आपस में काट भी सकते हो, लेकिन ऐसे कैसे रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक, a बराबर आ गया 25/300। अब देखिए इस इक्वेशन में रखना है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यू देगी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए देखिए वापिस से मैं यहाँ पर आपको जो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें आपको वैल्यू रख देने। देखिए यू का मान दिया है जीरो, इसलिए ये जो पूरा हो गया जीरो, 1/2। ए का मान आपके सामने अभी ज्ञात किया था, ए का मान जो आया था वो आपके आया था 25/300। ठीक है, 25/300 इंटू टी स्क्वायर, टी आपको दिया है कितना 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब क्या है आपका 300। ठीक है, 5 मिनट का मतलब 300 सेकंड, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए ये आपको 300 का स्क्वायर करेंगे, 300 से एक बार कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर बच गया 300 × 25/2, 2 से काटेंगे इस 300 को, बच जाएगा 150 और इधर बच जाएगा 25, तो 150/25 है ये यहाँ पर बच जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25 × 150। ठीक है, 150 × 25। ठीक है, इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो आएगा, 25, 5, 125। ठीक है, ये 12 आ जाएगा, और 25 से कम 25 और 25 और 12 37। ठीक है, 3750 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा, या इसको आप 3.7, ठीक है, 3.75 किलोमीटर है इसके रूप में भी इसको प्रदर्शित करते हैं, इसका आंसर आएगा 3.75 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गति का पहला समीकरण होता है किसके बीच रिलेशन दर्शाता है। आपको पहले बता दिया है गति का पहला समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी। तो देखिए यहाँ पर वेग है, यहाँ पर वेग है, ये वाला समय है, तो किस किस के बीच समय रिलेशन दर्शाता है, वेग और समय के बीच, किसके बीच, वेग और समय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक कार है वो 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चल रही है, और वह अपनी स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की कर लेती है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिया है यहाँ पर, देखिए 5 u का मान आपको दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, v का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, टाइम आपको दिया है क्या 5 सेकंड, और त्वरण a बराबर दिया है 1।
तो आपसे दूरी पूछिए, दूरी क्या होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यही होती है। देखिए यू क्या है, पाँच, टी बराबर क्या दिया है आपको, पाँच सेकेंड ही, ठीक है, प्लस एक बटा दो, ए का मान दिया है एक और टी का मान दिया है, इसका स्क्वायर करना है पाँच का, तो पच्चीस। तो देखिए ये हो गया पच्चीस, पच्चीस प्लस ये देखो पच्चीस का आधा करेंगे याद आएगा बारह पॉइंट पाँच, तो 12.5 और 25 प्लस आपका 12.5 है, इनको ऐड करेंगे 37.5, ठीक है, 37.5 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से त्वरित हो जाती है, तो इसने कुल कितनी दूरी तय की है। अब देखिए दूरी के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि दूरी बराबर एस बराबर होती है यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको दिया है कि प्रारंभिक स्थिति मतलब u बराबर जीरो है, ठीक है, t आपको दिया है 20 सेकंड, ठीक है, और 144 की स्पीड है, इसका मतलब है v आपको जो दिया है, ठीक है, वो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। इसको आपको बदलना है, पहले तो इसको हमको चेंज करेंगे, तो 144 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो v का मान याद देखिए इसको काटते हैं याद आएगा 8 और 8 × 5 = 40, तो v बराबर आ गया हमारे पास 40, ठीक है। अब देखिए v का मान 40 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमको चाहिए a का मान, तो a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, तो देखिए a बराबर v का मान है 40, u है 0 बटे टी, टी बराबर है 20, तो a बराबर आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्क्वायर, अब देखिए इस समीकरण में रखते हैं s बराबर, कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए इसमें हम समीकरण में मान रख देते हैं s बराबर, इसका मान तो 0 हो गया क्योंकि u 0 है, एक एक बटे दो इंटू ए का मान आपको दिया है 2 निकाल लिया, और टी स्क्वायर, टी कितना है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 400, इस 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आएगा 400 मीटर, तो इसका आंसर आएगा 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर है इसका राइट आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक बस होती है वो आपके विश्राम अवस्था से, यानी कि u बराबर आपको दिया गया है 0, विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है तथा नियत त्वरण से, यानी कि उसका त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो आपका कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, वह 10 सेकंड में, ठीक है, टी बराबर आपको दिया है, टी बराबर 10 सेकंड में 200 मीटर, यानी कि एस बराबर 200 मीटर की दूरी तय कर ली है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए एक्सेलरेशन का। तो देखिए एस का मान दिया है ना, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या होता है एस, आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर यू का मान जीरो है ना, तो सीधी सी बात है ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एस बराबर आ गया 1/2 ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर मेरे को ए का मान ज्ञात करना है ना, तो क्या करूँगा, देखिए इस दो को इधर भेजूंगा, ये आ जाएगा 2s, और यहाँ पर देखिए t इधर गुणा में इधर जाने के बाद इधर भाग में चला जाएगा, तो देखिए 2s का मान आपको दिया है 200 बटे t का स्क्वायर करना है, t कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो 100 से ये 200 काटेंगे 2, तो a बराबर आ गया 2 × 2 यानी कि 4, तो a बराबर आपके आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए बराबर गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जिस पर पूर्व की ओर से 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, ठीक है। अब देखिए प्रारंभ में आपको कहीं नहीं बोला है कि आपका प्रारंभिक स्थिति से चल रही है, इसलिए यू जीरो नहीं लेंगे, यू बराबर आपको दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड, इसको हम लेंगे, यू बराबर 2 आ गया, आपको दिया कि उत्तर दिशा से 1.5 न्यूटन का बल लगता है, F का जो मान है वो हमने ले लिया 1.5 न्यूटन, ठीक है। आगे आपको दिया है 2 सेकंड बाद इसका विस्थापन ज्ञात करना है, T बराबर आपको दिया है 2 सेकंड, ठीक है। अब देखिए आपको दिया है कि विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है, दूरी, तो देखिए दूरी का हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, S बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास यू भी है टी भी है लेकिन ए का मान नहीं है, ए का मान कहाँ से ज्ञात करें, अब देखिए ए का मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे जो फोर्स दिया है उसका उपयोग, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है एम ए, ठीक है, अब सोचें एम का है, एम देखिए शुरू में दिया है 1 किलोग्राम, यानी कि एम बराबर 1 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, एम बराबर, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, एम बराबर 1 किलोग्राम दिया है। देखिए यहाँ से मैं ए बराबर एफ अपॉन एम निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ ना, तो देखिए ए बराबर एफ, एफ का मान दिया है 1.5 और एम का मान 1 है, तो ए बराबर क्या आएगा 1.5, तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, देखिए एस बराबर यू, यू का मान क्या है 2, टी बराबर कितना है 2 सेकंड 2 प्लस 1/2, ए का मान कितना है 1.5 इंटू टी स्क्वायर, टी का मतलब क्या है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब देखिए ये हो गया 4 प्लस
इस दो से काटेंगे इसको कितना आ जाएगा दो, और डेढ़ को दो से गुणा करेंगे आ जाएगा तीन, तो चार प्लस तीन सात, ठीक है, सेवन मीटर है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सात मीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था, ठीक है, स्थिर का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, स्थिर अवस्था का मतलब है कि यू बराबर जीरो, ठीक है, प्रारंभ में यू बराबर जीरो था, स्थिर थी, ठीक है, स्टेबल थी, कोई गति नहीं, आगे दिया है दो सेकंड में, यानी कि टी बराबर आपको दिया है दो सेकंड, और इसका वेग पाँच मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी कि अंतिम वेग हो गया कितना, पाँच मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे पूछे इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए त्वरण के बारे में हम जानते हैं, ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो देखिए v आपको दिया है पाँच, u बराबर है जीरो, t बराबर आपका दो है, तो पाँच बटे दो यानी कि 2.5, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न थोड़ा सा आपका लेंदी है, इसको हम समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन है वो आपको समझता हूँ। देखिए आपको बोला है कि एक आपका बच्चा है जिसके हाथ में आपके 250 ग्राम की एक गेंद है, ठीक है, यानी कि आपके 250 ग्राम की एक गेंद है और वह उसे ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है, ऊपर की ओर उसने फेंका। अब देखिए ऊपर की ओर फेंका तो आपको पता है हाथ ऊपर की ओर जाएगा कुछ न कुछ दूरी पर, तो उसका हाथ है वो 10 सेमी उठता है और 10 सेमी के बाद उसकी जो बॉल है 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चली गई, ठीक है। अब देखिए अब आपसे क्या पूछा गया है कि बल लगाया गया, बल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बल के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि F बराबर होता है ma, ठीक है। अब देखिए m का मान आपको दिया हुआ है, सीधी सी बात है, a का मान ज्ञात करना है, तो a कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। देखिए आपको क्या दिया है पहले उस चीज़ को नोट कर लो, उसके आधार पर हम a का मान निकाल लेंगे। देखिए आपको दिया है पहले m का मान, इसको मैं साइड में नोट कर लेता हूँ इधर, कि m का मान दिया हुआ है 250 ग्राम, यानी कि इसको मैं लिख दूँ 0.25 किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि किलोग्राम में वैल्यू चाहिए। आगे इसको आपका हाथ है यानी कि हाइट आपको दी हुई है, ठीक है, हाइट देखिए हाइट आपको दी है, हाइट को हमेशा दूरी मानते हैं यानी कि एस, ठीक है, एस का मान क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो क्या जाएगा 0.1 मीटर, क्या जाएगा 0.1 मीटर। अब देखिए हमको एफ बराबर एम ए, हमको चाहिए ए का मान। अब ए का मान क्या होता है, देखिए ए का मान निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला हम गति के पहले समीकरण से निकाल सकते हैं। पहले समीकरण से निकालने के लिए क्या चाहिए कि ए का मान अगर निकालना चाहते हैं तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी, लेकिन हमारे पास देखिए आपको यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है, नहीं लगा सकते ना, इसलिए गति का तीसरा समीकरण याद करो। गति का तीसरा समीकरण होता है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पर देखिए टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। अब देखिए v आपको दिया हुआ है कि आपका जो वेग है वो आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में जो आपका u था वो तो हो गया 0, ठीक है, लेकिन आपको v दिया है, ठीक है, वो आपको दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए 2 इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2, और s आपको दी हुई है कितना 0.1, ठीक है। देखिए इसको हल करते हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, देखो जगह की बहुत सारी जगह की प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखिए तो देखिए ये आपका 2 है, ये हो जाएगा 4, और 4 अपॉन ये आ जाएगा 0.2, देखिए 4 बटे 0.2 अगर आप करोगे तो a का जो मान यहाँ से आएगा है ना, ये a का वैल्यू नहीं हम निकाल रहे, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20, ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी, आप भाग लगाते हैं तो 20 में 40 बटे 2 हो जाएगा 20। अब देखिए a का मान क्या आ गया 20, a का मान अगर 20 आ गया, m आपको दिया है कितना 0.25 किलो, ठीक है, तो देखिए f निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, f बराबर क्या होता है ma, तो देखिए m आपको दिया है 0.25, ठीक है, a आपको दिया है 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर क्या आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एक स्थिर अवस्था से एक लड़की है 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए स्थिर अवस्था का मतलब यू बराबर जीरो, और टाइम दिया है आपको 30 सेकंड, ठीक है, और आपका अंतिम वेग जो हो गया v, वो आपका हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए त्वरण क्या होता है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, तो देखिए v आपको दिया है 6 माइनस 0 अपॉन 30, तो 6/30 मतलब 1.5, और 1.5 की वैल्यू होती है 0.2, तो 0.2 है,
0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जब एक कार घुमावदार सड़क पर घूमती है तो कौन सा बल बाहर की ओर धक्का देता है। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको जब अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल बताया था तो बताया था कि अपकेंद्रीय बल होता है ना वो आपके बाहर की ओर धक्का लगता है और अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर। तो पूछा है कि बाहर की ओर कौन सा धक्का देता है, कौन सा बल, तो अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे बोला है कि जब आपके एक वस्तु होती है एक समान वृत्तीय गति करती है तो इसका क्या बदलता है। तो गाइज आपको ध्यान रखनी है, जब आपके कोई वस्तु एक सर्किल में, ठीक है, एक सर्किल में आपके चक्कर लगा रही होती है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसका वेग है यहाँ पर बदलता है। आप कहेंगे सर वेग कैसे बदलेगा, तो देखिए वेग इसलिए बदलेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए वेग बना एक सदिश राशि है, वेग का जो मान है वो आपके आपका जो परिमाण है उस पर डिपेंड करेगा और इसकी दिशा पर डिपेंड करेगा। अब देखिए परिमाण तो सेम है लेकिन यहाँ पर देखिए दिशा है वो लगातार बदल रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो वेग है ना वेग लगातार बदलेगा, लेकिन ऑप्शन में आपको वेग नहीं दिया इसलिए हम बोलेंगे कि दिशा है वो आपके लगातार चेंज होगी। ठीक है, जब कोई वस्तु एक वृत्त में गति कर देती है इधर घूमेगी इधर घूमेगी, ठीक है, हर पॉइंट पर वो घूमेगी इसलिए उसकी डायरेक्शन है उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे बोला है कि लट्टू को घुमाना किस प्रकार के बल का उदाहरण है। देखिए लट्टू क्या होता है, लट्टू एक प्रकार से आपका स्पिनिंग बोलते हैं इसको, इसमें क्या होता है कि आपका एक ऐसा होता है, ठीक है, ये इस प्रकार का होता है एक, ठीक है, इसमें, ठीक है, इस प्रकार का होता है, ठीक है, इसकी शेप कुछ इस प्रकार से होती है और इसको जैसे मेलों में आता है ना वो आप जानते हैं, ठीक है, चित्र थोड़ा सही सा नहीं बन रहा है, वो इससे नीचे से बहुत पैना सा होता है ऐसे और इसको घुमाया जाता है, ठीक है ना, एक तरह से कुल्फी टाइप का होता है शेप लेकिन नीचे थोड़ा पैना होता है, इसको घुमाते हैं। तो होता क्या है कि ये आपके जब घुमाते हैं ना तो आपका ये घूमता रहता है, गिरता नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि लट्टू होता है जब उसको हम घुमाते हैं तो बताइए वो किसकी वजह से आपका घूमता रहता है, मतलब वो गिरता नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब हम किसी लट्टू को घुमाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, उस पर लगता है आपका अभिकेंद्रीय बल यानी कि आपका केंद्र की ओर को खींचने वाला बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको गिरने नहीं देता है, उसके केंद्र की ओर गति कंटिन्यूटली कराता है। और आपको पहले बताया था अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है जो किसी वस्तु को आपके एक वृत्त में आपके गति करने के लिए मौजूद होता है या उसके लिए आपका गति करने के लिए आपका जिम्मेदार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बहुत पुराने आपके मॉडल की जो पेंडुलम घड़ी होती थी, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि उनमें आपके पेंडुलम घड़ी थी उनका आपका जो कार्य होता है वो कार्य किस पद्धति पर करती थी। देखिए पहले क्या होता था, पेंडुलम घड़ी चलती थी, ठीक है ना, आजकल तो आपको पता है सेल की घड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, थीके? तो पहले जो पेंडुलम घड़ी चलती थी ना आपके पहले के टाइम, बहुत 50 साल पहले की बात है, ठीक है, तो उस समय जो आपकी पेंडुलम घड़ी होती थी उनमें आपकी मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल आपके पद्धति थी वो यहाँ पर काम में ली जाती थी, है ना, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह आपके सरल अलग इसको बोल सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आपका रोलर कोस्टर जो होता है, रोलर कोस्टर में आपको डायग्राम दिखाता हूं तो आप समझ पाओगे, ये होता है आपका रोलर कोस्टर, एक प्रकार का झूला होता है ना, इसमें क्या होता है कि आपका झूले में तो गोल ही होता है लेकिन इसमें क्या होता है बहुत सारे आपके लंबे 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 चलते रहते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक प्रकार का झूला ही होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रोलर कोस्टर। इसमें आपसे पूछा है कि रोलर कोस्टर में जब लोग सवारी करते हैं तो बाहर की ओर गिरते नहीं है, उस पर कौन सा बल लगता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका कोई भी आपका कण होता है किसी सर्किल में गति करता है ना तो एक बल लगता है जो उसे केंद्र की ओर खींचे हुए रखता है, और इसको केंद्र को आपका बल होता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल होता है वो उन्हें खींच कर रखता है और वो उन्हें क्या होता है गिरने नहीं देता। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूर्णन करती है तो कौन सी राशि में प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तन होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब कोई गति आपका सर्कल में होती है ना तो प्रत्येक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन है चेंज होती है, इसलिए वेग होता है वो लगातार बदलता रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए पेंडुलम के आपको जो मैंने क्वेश्चन कराए थे यहां से क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं इसलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पेंडुलम का। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे पूछा कि यदि पेंडुलम की लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यदि पेंडुलम होता है ना, अब देखिए पेंडुलम का आवर्तकाल होता है वो होता है t = 2π √L/g। तो देखिए
आपसे पूछेगी यदि इसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर लेंथ बढ़ाएंगे ना तो रूट की वैल्यू बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है आवर्त काल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लगाया गया समय क्या कहलाता है। दोलक का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके बच्चे किसी झूले में झुलाते हैं तो एक इधर से इधर एक राउंड मारने में, या पेंडुलम होता है इधर से इधर जाने में एक राउंड करने में जो तय किए गए आप जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका आवर्तकाल, टर्न ओवर टाइम। ठीक है, एक चक्कर लगाने में इधर से इधर जाने में आपका टोटल टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे बोला है कि झूले पर बैठे हुए लड़की की गति किस प्रकार की गति होती है। मतलब कोई लड़का है, बच्चा है, उसको हम झूले में झूला रखा है तो ऐसे घूमता रहेगा ना, पेंडुलम की गति होती है ना इसी प्रकार से, तो उसकी गति आपकी इस प्रकार की होती है, आवर्ती गति। होता क्या है कि वो आपके एक जो आपका पथ होता है उसमें बार 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 रोटेशन करता रहता है, इसलिए उसकी जो गति होती है ना आपके आवर्ती गति होती है, रोटेशन आपके मोशन होता है। चलिए अब आपके जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पेंडुलम के आवर्तकाल पर रिलेटेड है। देखिए आपसे पूछा कि यदि पेंडुलम का वजन अगर हम बढ़ा दिया तो इसके आवर्तकाल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए आवर्तकाल होता है टी बराबर रूट आपका टी बराबर टू पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी ना आपका देखिए वजन पर आपका वेट पर डिपेंड नहीं करता पेंडुलम का आवर्तकाल, इसलिए हम बोलेंगे अगर उसका वेट बढ़ाया जाता है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आपका वेट बढ़ाओ, कितना भी आप मोटा लो छोटा लो, ठीक है, अगर उसका वजन बढ़ाते हो, मास बढ़ाते हो, कुछ भी आप बढ़ाओ तो आपका आवर्तकाल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि आपका सरल पेंडुलम होता है उसके आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि उसकी लेंथ पहले से चार गुना कर दी, यानी कि लेंथ है उसको हमने 4L कर दिया। तो देखिए आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो देखिए L हो जाएगा 4L, तो देखिए 2 पाई और 4L अपॉन जी, तो देखिए रूट 4 है इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दो पहले ही है, दो बार आ जाएगा 2 पाई और L अपॉन जी बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा आवर्तकाल हो जाएगा पहले का दो गुना। क्या हो जाएगा, पहले का दो गुना, यानी कि अगर आप उसकी लंबाई है उसको चार गुना बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा पहले का दो गुना। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि हम पेंडुलम होता है उसको चंद्रमा पर ले जाएं तो उसके आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए आवर्तकाल पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा, देखिए आवर्तकाल होता है टी बराबर आपका 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो देखिए जी है ना, जी का मान चेंज होगा, सीधी सी बात है, जब हम चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो पृथ्वी पर होता क्या है कि पृथ्वी पर आपका चंद्रमा अगर जी का मान है, चंद्रमा का है, पृथ्वी का है, तो अगर चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो जी बराबर हो जाएगा जी बाई 6, यानी कि पृथ्वी का 1/6। अब देखिए होगा क्या, वहाँ पर आपका जी का मान क्या होगा, आपका देखिए घटेगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें वैल्यू रखते हैं तो 2 पाई और ये हो जाएगा एल है और जी की जगह रखते हैं जी बाई 6, तो ये ऊपर जाएगा और 2 पाई और 6 एल अपोन जी आ जाएगा। और रूट 6 की वैल्यू, रूट 6 की अप्रोक्स वैल्यू अगर हम ले लेते हैं तो रूट 6 की जो अप्रोक्स वैल्यू है वो हम रूट 6 है इसकी अप्रोक्स वैल्यू है वो हम ले लेते हैं आपका 2 पॉइंट के आगे ले लेते हैं कुछ ना 2.5 कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 2.5 अगर हमने इसकी अप्रोक्स वैल्यू है यहाँ पर ले ली है 2.5, तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए वैल्यू है ना वो 2.5 इस 2 से गुना होगी। तो सीधी सी बात है इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यदि हम चंद्रमा पर पेंडुलम को लेके जाएंगे तो इसके आवर्तकाल है वो यहाँ पर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन थे सारे आपके गति पर आधारित थे। गति वाला चैप्टर है हमारा फाइनली खत्म हो गया है, मोशन वाला, ठीक है, कई दिन हो गए थे मोशन वाले चैप्टर को, तो मोशन से आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई आपको डाउट है आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।